आवाज न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। श्री विजयनगर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में जिला विधिक साक्षरता समिति द्वारा विधिक साक्षरता शिविर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय उपाचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश मेहरता के अनुसार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक साक्षरता समिति के सदस्य एडवोकेट श्री हिमेंद्र सारस्वत, विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के ग्राम प्रधान श्री अमित जी दीक्षित तथा जिला विधि साक्षरता समिति सदस्य एडवोकेट पवन जी शर्मा, अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद जी दीक्षित की। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि एडवोकेट हितेंद्र जी शर्मा ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताया तथा भ्रूण हत्या रोकने में बल दिया। अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर अरविंद जी दीक्षित ने महिला अत्याचार तथा साइबर क्राइम विस्तार से समझाया। मंच संचालन महाविद्यालय के व्याख्या श्री पवन कुमार ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के व्याख्याता श्री जितेंद्र सिंह तरखान तथा श्री कमल किशोर ने सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया। इस अवसर पर उप प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश मेहरता ने अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाशित स्वयं द्वारा लिखित पत्र महिला सशक्तिकरण में सरकारी प्रयास का वचन किया। आवाज न्यूज में श्री विजयनगर से संवाददाता सुरेंद्र सिंह राठौड़ की खास रिपोर्ट। परम सम्माननीय मंचस्थ एवं मंचाभिमुख मेरे गुरुजन बंधुओं व प्यारे विद्यार्थियों, आज विधिक साक्षरता शिविर के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत हमारे अतिथिगण श्री हितेंद्र जी वकील साहब, पवन जी वकील साहब, अमित जी पधारे हुए हैं। मैं इनका महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ में ऐसी आशा करता हूं जब कभी भी कोई भी समाज से संबंधित कार्यक्रम आता है तो आप यहाँ पर बेशक पधारिएगा। हम महाविद्यालय परिवार समेत समाज सेवा के कार्य में तन मन धन से जुड़े रहेंगे और हमसे जो बन पड़ेगा करेंगे। तो इस अवसर पर आप यहाँ पर पधारे, इसके लिए मैं आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। इसी कड़ी में हम दादा समय न लेते हुए इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एडवोकेट जितेंद्र जी सारस्वत से निवेदन रहेगा कि विधि साक्षरता शिविर के जो हमारा शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर अपना उद्बोधन देंगे। आप इनकी बात ध्यान से सुनेंगे।